और दूध देने के साथ साथ उनकी ब्रीडिंग चल रही है। तो आज की वीडियो ये है कि आज हम ये देखेंगे कि हम किस तरह जानवरों से ज्यादा दूध ले सकते हैं और किस तरह ज्यादा दूध लेकर अपने एनिमल्स को जो है वो प्रॉफिटेबल बना सकते हैं। इसी तरह हम ये देखेंगे कि किस तरह हम दूध के साथ साथ अपने एनिमल्स को जो है वो टाइमली जो है वो प्रेग्नेंट करेंगे, ताकि वो एनिमल जो है वो प्रेग्नेंट भी हो जाए और दूसरी लैक्टेशन हमें देने के काबिल हो जाए और साथ साथ हम इस आइडियल सीजन में मैक्सिमम दूध किस तरह ले सकते हैं। और इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि किस तरह हम अपने जानवरों को ये दोनों चीजें अचीव करने के साथ साथ उनको तंदुरुस्त किस तरह रख सकते हैं। तो ये सारी चीजें मोस्टली बहुत सारी चीजों से रिलेट करती हैं, बट आज हम मेनली जो टॉपिक है वो डिस्कस करेंगे कि खुराक के जरिए हम ये तीनों जो चीजें हैं वो किस तरह हासिल कर सकते हैं। और जैसे कि आपको पता है कि फार्म की जो 70% आपकी जो है फार्म की कॉस्ट है वो आपकी फीड की होती है। तो फीड को किस तरह हम मैनेज कर सकते हैं और किस तरह हर एनिमल्स की फीड जो है वो आप रिक्वायरमेंट पूरी कर सकते हैं, जो फीड पूरी होगी तो वो हमें ज्यादा दूध भी देगा, प्रेग्नेंट भी होगा और सेहतमंद भी रहेगा। तो ये आज हम बेसिकली इस टॉपिक में डिस्कशन करेंगे। तो फीड बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, आपको पता है फार्म पे तकरीबन 70% कास्ट जो है वो आपकी फीड पे लगती है। तो फीड खास तौर पे जो हमारे एक्सोटिक एनिमल हैं जो हम बाहर से लेकर आते हैं वो हमें पता होता है कि बहुत ज्यादा दूध देने का उनका पोटेंशियल होता है, बट वो पोटेंशियल हमें लेना किस तरह है वो डायरेक्टली आपका फीड के साथ रिलेट करता है। तो फीड जब तक आपकी बैलेंस नहीं होगी आप उससे मैक्सिमम आउटपुट नहीं ले सकते, आप उसका पोटेंशियल भी नहीं ले सकते। इसी तरह अगर हम लोकल एनिमल की बात करें तो वहां पे भी हमें जो मेनली जो इशू आता है वो ये आता है कि हमें एनिमल की पोटेंशियल का आइडिया ही नहीं होता कि ये एनिमल हमें कितना दूध दे सकता है। तो वो लेने के लिए सबसे ज्यादा आपको उसकी फीड जो है वो बैलेंस करना पड़ती है। तो फीड का रोल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है फार्म पे, आपको पता है कि ब्रीडिंग से भी रिलेट कर रही है, आपकी डेली प्रोडक्शन जो है वो भी रिलेट कर रही है और इसी तरह एनिमल की सेहत जो है वो भी उससे रिलेट कर रही है। तो नॉर्मली आप हमारे यहाँ हर बंदे को पता है कि बंडे की फार्मुलेशन किस तरह बनती है, क्या क्या चीज़ें हम उसमें डालते हैं और किस तरह हम उसको बैलेंस कर सकते हैं, तो ये तो तकरीबन हर बंदे को पता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि क्या आया जो हम फीड एनिमल को दे रहे हैं आया वो वाकई ही वो बैलेंस है या एनिमल की रिक्वायरमेंट के मुताबिक है। तो उसमें हमें सारी चीज़ों को जो है वो देखना पड़ता है, हमने उसको बंडा कितना देना है, हमने उसको साइलिन कितना देना है, अगर सबस चारा दे रहे हैं तो वो कितना देना है। तो ये सारी चीज़ों का एक एनिमल्स की रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपने उसको बैलेंस करना होता है। तो नॉर्मली मोस्टली छोटे फार्मर्स जो हैं उनके पास जो फीड फार्मुलेशन होती है वो नॉर्मली वो किसी से पिक करके ले लेते हैं या उनके दोस्त होता है या वो दूसरे फार्म से लेकर आ जाते हैं और वही फीड अपने फार्म्स पे चलाना शुरू कर देते हैं। तो अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये आता है कि हर फार्म की फीड जो होती है वो उनके एनिमल्स के मुताबिक सेट होती है। तो अगर वही फीड आप कॉपी करके अपने एनिमल्स पे लागू करेंगे तो वो आपको वो पोटेंशियल या वो रिजल्ट नहीं देती, क्योंकि वो आपके एनिमल्स के रिक्वायरमेंट के मुताबिक ही नहीं होती। तो जब भी आपने अपने एनिमल्स को फीड देनी है तो कोशिश करें कि अपने एनिमल्स का जो है वो प्रॉपर एनालिसिस करवाएं और उनकी जो रिक्वायरमेंट बनती है उसके मुताबिक जो है वो आप फीड दें। फॉर एग्जाम्पल अब हमारे फार्म पे जो टॉप प्रोड्यूसिंग ग्रुप है वो 50+ है, उसमें 60 लीटर वाले भी हैं, 65 वाले भी हैं और कुछ एनिमल जो है 70 वाले भी हैं। तो अब उनकी फीड फॉर एग्जाम्पल अगर हम मैं एन पे वो जो है वो शो भी करूंगा जो 60 लीटर या हाई प्रोड्यूसर को हम देते हैं फीड नॉर्मली, तो अब ये जो फीड जाती है वो एक बैग में आप देते होते हैं और बैग में क्या होता है कि आप एवरेज फीड जो है वो ग्रुप्स को कंसिडर करके देते होते हैं। तो जब आप ये फीड एन पे मैं आपको शो भी करवाऊंगा कि ये फीड हमारे एनिमल्स पे किस तरह आउटपुट देती है, तो उसमें ये होता है नॉर्मली फीड आपकी सेम जा रही होती है लेकिन कुछ जानवर जो हैं वो एवरेज से ऊपर चले जाते हैं, कुछ एनिमल एवरेज के लो चले जाते हैं। लेकिन आप जब फीड एक ग्रुप को देते हैं हमारे नंबर हमारा 50 एनिमल का ग्रुप है तो उसको हम जो है वो एवरेज जो लैक्टेशन या प्रोडक्शन पे हम उसको कंसीडर करके उसको वो फीड देते होते हैं। तो उसमें कुछ एनिमल जो होते हैं उसी फीड पे जो है वो 70 लीटर भी दे रहे होते हैं, कुछ होते हैं जो 45 लीटर भी दे रहे होते हैं।
अब ये डिफरेंस जो है ये बेसिकली है एनिमल की पोटेंशियल पे, कि एनिमल उस फीड को यूटिलाइज किस तरह करता है और दूध में कन्वर्ट किस तरह करता है, इसको हम कहते हैं फीड एफिशिएंसी। तो फीड एफिशिएंसी जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है अगर हमने एनिमल की जीनेटिक्स को चेक करना है या उसके पोटेंशियल को चेक करना है, कि सेम फीड पे कुछ जानवर जो है वो ज्यादा दूध दे रहे होते हैं, कुछ जानवर हमें जो है वो कम दूध दे रहे होते हैं। तो यहीं से हमें एनिमल की फीड एफिशिएंसी का पता चलता आता है। तो डेफिनेटली जो एनिमल हाई फीड एफिशिएंसी वाले हैं वो कम फीड खा के ज्यादा दूध प्रोड्यूस करते हैं और वही एनिमल अल्टीमेट हमें जो है वो प्रॉफिट देते होते हैं। बट स्टिल कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो आपको कह सकते हैं कि एवरेज दूध दे रहे होते हैं, कुछ बिलो भी देते होते हैं। तो कहने का मकसद ये था कि जब आप फीड डालते हैं किसी भी ग्रुप को तो आपने उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसको फीड देनी है। तो फीड डेफिनेटली आप फॉर मेरे पास 50-60 फीड पड़ी हुई है, तो वो अगर मैं आपको दूँ शेयर करूँ तो वो फीड हो सकता है आपके एनिमल पे वो लागू ना हो, वो आपके वो रिजल्ट ना दे जो हम ले रहे हैं। तो यहाँ पे जो डिफरेंस बेसिकली आता है वो आता है एनिमल के स्टेज पे, एनिमल की जेनेटिक्स पे, एनिमल के पोटेंशियल पे, या आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जो हमारे पास एनिमल खड़ा है उसकी में भी और रिक्वायरमेंट हो और जो आपके पास खड़ा उसकी और रिक्वायरमेंट। तो फीड जो है वो कभी भी आपने किसी फार्म से उठा के अपने एनिमल्स को नहीं देनी, हो सकता है वो आपके एनिमल्स के लिए एक्स्ट्रा हो और ये भी हो सकता है वो आपके एनिमल्स के लिए कम। तो फीड अपने एनिमल्स के मुताबिक बनाएं और उसका बेहतर हल यही है कि आप किसी प्रोफेशनल से रब्ता करके अपने एनिमल्स की फीड एनालिसिस लाजमी करें, क्योंकि फीड ही की बेस पे आप जो है वो डेली का दूध ले रहे होते हैं और उसी की बेस पे आप के एनिमल्स जो है वो ब्रीडिंग में आते हैं, प्रेग्नेंट होते हैं और उसी की बेस पे आपके एनिमल्स की जो है हेल्थ वो बेहतर रहती है। तो यहाँ पे ये चीज आती है कि फीड के थ्रू आपके ओवरऑल फार्म का एक बहुत मेजर पार्ट जो है वो चल रहा होता है। तो फीड जो है वो डेफिनेटली आप अपने किसी प्रोफेशनल बंदे से जो है वो सेट करवाएं ताकि वो आपके एनिमल्स की रिक्वायरमेंट पूरी करे और आपको मैक्सिमम प्रॉफिट जो है वो अपने फार्म पर आए। तो फीड एक मेजर पार्ट होता है। समटाइम ये भी हो रहा होता है कि आप अपने एनिमल्स को जो फीड दे रहे होते हैं आप समझते हैं कि वो 20 लीटर दूध देता है, हमें इससे ज़्यादा नहीं देता, हो सकते हैं आप उसके जो पोटेंशियल है वो पूरा ले ही ना रहे हो, आप उसको वो फीड दे ही ना रहे हो जिसकी बेस पे वो आपको ज़्यादा दूध दे सकता है। तो अपने एनिमल्स के पोटेंशियल को जानने के लिए आप उनकी फीड जो है वो प्रॉपर बैलेंस करें, उसकी फॉर्मुलेशन करवा के उनको यूटिलाइज करें। अब ये एक साइड पे एनिमल्स का लेवल, दूसरा अगर इकोनॉमिक्स पे जाएं तो इकोनॉमिक्स का भी बहुत सा पार्ट आपकी फील्ड में जा रहा होता है, तो वहाँ से आप उसको बचा भी सकते हैं, वहाँ पे आप उसको एक्स्ट्रा भी लगा सकते हैं। सो अपने फार्म की ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी आपकी फील्ड पे डिपेंड करती है। तो ज़्यादा फीड देने का भी फायदा नहीं है और कम फीड देने का भी फायदा नहीं है, तो दोनों सूरतों में आपका नुकसान होता है। तो बैलेंस फीड जो है वही आपको बेहतर रिजल्ट देती है और उसके लिए आपको किसी प्रोफेशनल से फीड फार्मुलेशन लाजमी करानी चाहिए। और फीड फार्मुलेशन के लिए अगर आपको मेरी कुछ हेल्प चाहिए तो मैं हाजिर हूँ, आप मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा उसको आपको प्रॉपर जो है वो आंसर दूँ। तो आज की वीडियो यही थी कि आपने अपने एनिमल्स की फीड जो है वो किस तरह बैलेंस करनी है और ये कितनी इंपॉर्टेंट है आपके फार्म पे। मैं अभी एंड पे आपको एक फीड शेयर करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल तो ये फीड जो हमारी है वो टॉप प्रोड्यूसर ग्रुप की है, तो वो 50 से 70 लीटर के इन बिटवीन ये ग्रुप देता है हमें दूध। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आज के टॉपिक से आपको काफ़ी हद तक जो है वो फीड के रिलेटेड भी होंगे क्वेश्चन वो समझ आ गए होंगे। बाकी मजीद इंशाल्लाह इस तरह की वीडियोज़ और बनाएंगे, आप इसके लिए आप चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपके पास बार वक्त ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ जो है पहुँचते रहें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।